हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मेटल को। यहाँ पर मेटल से लगभग 42 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। बात करें लैंग्वेज की तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पर ऐड की गई है। तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो मेटल चैप्टर है आपका, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। जैसे अभी हाल ही में DMRC की भर्ती आई हुई है, JMRC की भर्ती आई हुई है, और जल्द ही आपको LMRC की भर्ती का नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं 42 क्वेश्चन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द चीफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम इज दैट इट इज, यानी जो है एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण क्या है, क्या उसकी सॉफ्टनेस है या फिर ब्रिटलनेस, स्ट्रांगनेस या फिर टफनेस। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है सॉफ्टनेस। तो यहाँ पर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा मार्क किया गया है हिंदी लैंग्वेज में, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी तो उसमें ये मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, यानी जो गन मेटल होता है, बंदूक धातु होती है, वह अलॉय है कॉपर, और कॉपर के साथ साथ कौन सी धातु होती है। तो देखिए, यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे बोला गया है कि गन मेटल के लिए, तो गन मेटल के लिए हमारा कॉपर होता है, इन्होंने बोला है 3 होता है, और प्लस जिंक होता है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा गन मेटल बनता है। तो टिन एंड जिंक हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि ब्रास किसकी एलाय है। तो ब्रास जो होती है कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनती है, जबकि ब्रोंज की बात करें तो वह कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो ये आपको सभी क्लियर होने चाहिए। इन 3 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर में बोला गया है कि जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ, यानी जो बियरिंग बुश की धातु होती है वह प्रायः किस मेटल से बनाई जाती है, यानी किस धातु से बनाई जाती है। तो वह गन मेटल से बनाई जाती है, बंदूक धातु यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमसे 4 नंबर में पूछा गया है, इंग्लिश में बोला गया है कि द चीफ अलाइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, यानी जो हमारा स्टेनलेस स्टील मेटल होता है वह मुख्य मिश्रण तत्व होता है, लेकिन उसका मुख्य मिश्रण तत्व कौन सा होता है, किससे मिलकर बनता है। तो हमारा स्टेनलेस स्टील जो होता है क्रोमियम एंड निकल से बनकर तैयार होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है द फिलामेंट्स ऑफ लैंप बल्ब्स आर मेड ऑफ, यानी लैंप बल्ब के फिलामेंट की धातु होती है, यानी जो हमारे बल्ब होते हैं तो उन बल्ब के जो तंतु बनाए जाते हैं वह किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन स्टील से बनाया जाता है। इसका रीज़न होता है कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह काफ़ी हाई होता है, और इसी कारण से उसका जो है बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि द एलॉय ड्यूरालुमिन एंड हिंडोलियम कॉन्टेंट्स 95% ऑफ, यानी ड्यूरालुमिन और हिंडोलियम एलाय में 95% होता है, लेकिन ये 95% क्या है, कॉपर, जिंक, लेड या फिर एल्युमिनियम। तो जो हिंडोलियम और ड्यूरालुमिन होती हैं यह एल्युमिनियम एलाय होती हैं, तो वहाँ पर 95% हमारा एल्युमिनियम होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में बोला गया है कि मुंज मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो मुंज मेटल होता है वह किसका अलॉय है। तो मुंज मेटल एक ब्रास का ही प्रकार है, तो हम जानते हैं कि ब्रास जो होता है कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की बात करें तो बोला गया है कि मोनल मेटल कॉन्टेंट्स,
यानी मोनर मेटल जो होता है उसमें क्या होता है, तो हमारे मोनर मेटल में जो होता है वह निकल एंड कॉपर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमें 8 नंबर का करेक्ट आंसर मिल जाता है। 9 नंबर में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिटीज अबाउट टिन इज करेक्ट, यानी टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा टिन होता है तो उसके संबंध में कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन दिया गया है टिन कैंड विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, क्या टिन हमारा उच्च तापमान को सहन कर लेती है, तो जी नहीं, ये हमारे हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकती है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट बोला गया है टिन इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मोस्ट शोल्डर, क्या अधिकतर शोल्डरों का टिन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बोला गया टिन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या टिन जो होता है वह बिजली का अच्छा सुचालक होता है, या फिर टिन इज कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल, क्या टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है, तो जी हाँ, जो हमारी टिन होती है वह एक कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है। लेकिन बी ऑप्शन में मिल जाता है कि अधिकतर शोल्डरों का टिन मुख्य मिश्रण तत्व होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है, तो डी की ओर जाएंगे। अब देखिए इसका रीजन क्या है, यहां पर ज्यादातर यूज टिन का जो है किसके लिए किया जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, तो यहां पर क्लियर होना चाहिए आपको कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टिन का ज्यादातर यूज जो है हम कोरोजन रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है क्योंकि अधिकतर शोल्डरों का जो मेन अलॉय होता है, मुख्य मिश्रण तत्व होता है, वह टिन ही होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। 10 नंबर की बात करें तो हमसे बोला गया है कि कास्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बेड्स बिकॉज, यानी जो है कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन किस कारण से किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, इट कैन रेजिस्टेंस मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेता है, या फिर इट इज हैवी इन वेट, क्या इसका भार अधिक होता है इसलिए प्रयोग किया जाता है, या इट इज ए चीपर मेटल, क्या एक सस्ती मेटल है, या फिर इट इज ए ब्रिटल मेटल, क्या यह एक ब्रिटल धातु है इसलिए यूज किया जाता है बेड बनाने में, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसका यूज जो है मशीन के बेड बनाने में किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इट कैन रजिस्ट मोर कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन आ गया है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका मिश्र धातु है, तो अभी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ब्रास जो होता है हमारा कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा गया है कि एल्युमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इट नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज, यानी जो है शुद्ध अवस्था में एल्युमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है, किस रीजन से नहीं किया जाता है, क्या इट इज ब्रिटल, क्या यह ब्रिटल धातु है, भंगुर धातु है इसलिए इसका यूज जो है इंजीनियरिंग वर्क में नहीं किया जाता, या फिर इट इज वेरी लाइट, क्या यह बहुत हल्का होता है इसलिए नहीं यूज किया जाता है, क्या इट इज कॉस्टली, क्या यह महंगा होता है, या फिर इट लैक्स स्ट्रेंथ, क्या इसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है, तो जी हाँ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ की मजबूती की कमी होती है, सॉफ्ट मटेरियल होता है हमारा एल्युमिनियम। पहला क्वेश्चन यही था कि जो एल्युमिनियम की मुख्य प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो उसकी मुख्य प्रॉपर्टीज होती है सॉफ्टनेस, और सॉफ्टनेस के कारण ही इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, इसी कारण से एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम का यूज जो है हम इंजीनियरिंग वर्क में नहीं कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल,
यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु, तो देखिए जो इंजीनियरिंग वर्क में यूज की जाती है तो वह हमारी सबसे हल्की धातु होती है एल्युमिनियम, और भारी धातु की बात करें तो हमारा लेड जो होता है वह भारी मेटल है। तो क्वेश्चन में हमसे हल्की पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन यानी एल्युमिनियम इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर में पूछा गया है कि व्हाइट मेटल इज एन अलॉय ऑफ, यानी जो व्हाइट मेटल होती है वह किसका मिश्र धातु होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वह कॉपर, लेड, टिन एंड एंटीमनी, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा व्हाइट मेटल होता है तो कॉपर, लेड, टिन एंड एंटीमनी से मिलकर बनता है। नेक्स्ट बोला गया है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ, यानी जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है वह आयरन जिस पर किसके साथ कोट किया जाता है, तो उसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन कंटेंट इन कोल्ड चीजल इज, यानी जो हमारी ठंडी छेनी होती है, कोल्ड छेनी होती है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे ठंडी छेनी में 1% से लेकर जो है 1.2% तक कार्बन की मात्रा होती है, तो ये ऑप्शन हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ये विकल्प जो है सी में मिल रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में पूछा गया है कि डेजरेबल हार्डनेस इन ए फाइल इज जनरली, यानी फाइल में जो होती है रेती जो होती है उसमें वांछनीय कठोरता कितनी होती है, तो वह 60 HRC होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन कई बुकों में आपको 62 या 63 HRC भी मिल जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, या फिर कई बुकों में आपको 59 भी मिल जाता है, तो मैक्सिमम जो है सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, अब देखिए इसी को पहले डिस्कस किए थे, अब यही क्वेश्चन आ चुका है, बोला गया है कि ब्रोंज जो होता है, कांसा जो होता है, वह कांसा किसका मिश्रण होता है, तो कांसा हमारा कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है, तो ए ऑप्शन में ही हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है, तो कॉपर एंड टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में बोला गया है कि द प्रॉपर्टी वाई विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू सीट इज, यानी जो है धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने वाला गुण होता है, यानी जो हम धातु की रोलिंग करते हैं और रोलिंग करके सीट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो किस प्रॉपर्टीज के कारण, ऑप्शन दिया गया है इलास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर टेनासिटी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है इसी के कारण हम जो है धातु के सीट तैयार करते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बोला गया है क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ, यानी जो क्रेन मशीन के हुक्स होते हैं उनकी धातु क्या होती है, किस धातु से हमारा क्रेन हुक बनाया जाता है, तो क्रेन हुक जो होता है रॉट आयरन से बनाया जाता है, जो हमारा रॉट आयरन होता है यानी पिटवा लोहा, तो इसमें टफनेस का गुण होता है और टफनेस के गुण होने के कारण ही इसके क्रेन हुक्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की बात करें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी जो है जंग का प्रतिरोध कौन सी धातु हमारी करती है, क्या एल्युमिनियम जो होती है वह हमारे जंग का प्रतिरोध करती है, टिन करती है, कॉपर या फिर माइल्ड स्टील, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी टिन मेटल होती है, टिन हमारी कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कैन रजिस्ट साल्ट वाटर कोरोजन, यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है, यानी नमक पानी की बात करें तो कौन सा मेटल होता है,
कौन सा अलॉय होता है, तो वह जिंक अलॉय होता है। सी ऑप्शन में हमें मिल जाता है जिंक अलॉय, तो जिंक अलॉय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की बात करें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी निम्नलिखित में से धातु का रासायनिक गुण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कोरोजिवनेस यानी कंडक्टिविटी, हार्डनेस या फिर इलास्टिसिटी। तो देखिए हमसे पूछा गया कौन सा रासायनिक गुण है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की गई है। तो देखिए हमारे मेटल में जो है 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए जो हमारी यहाँ पर हमें मिल जाती है कंडक्टिविटी यानी चालकता, ये हमारी क्या है, यह हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बात करें सी ऑप्शन और डी ऑप्शन की, ये हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ए ऑप्शन में जो हमें दिया गया है कोरोजिवनेस यानी जंग का लगना, ये हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोजिवनेस। नेक्स्ट बात करें 24 नंबर की तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर्स रजिस्टेंस टू ऑब्जर्वेशन, यानी जो है निम्नलिखित में से कौन सा गुण खुरचन को रोकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि खुरचन का जो है विरोध करता है कौन सा मटेरियल का प्रॉपर्टीज, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी या फिर मैलिएबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कठोरता, हार्डनेस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर की बात करें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चैन लिंक्स फ्रॉम रॉट आयरन, यानी जो है रॉट आयरन से पिटवा लोहा से चैन लिंक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा ग्रुप उपयुक्त होता है। वह होता है हमारा मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। इन मटेरियल के साथ जो है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के साथ जो है रॉट आयरन बनाया जाता है। यदि ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी तो रॉट आयरन के जो है क्रेन हुक्स नहीं बनाए जाएंगे। 26 नंबर की बात करें तो बोला गया है इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील रिजल्ट्स इन, यानी जो है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या इंक्रीज इन हार्डनेस, क्या हम कठोरता बढ़ती है यदि स्टील में कार्बन बढ़ाते हैं, या फिर इंक्रीज मैलिएबिलिटी, क्या मैलिएबिलिटी में वृद्धि होती है, या फिर इंक्रीज डक्टिलिटी, क्या डक्टिलिटी में वृद्धि होती है, या फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ, क्या उसकी मजबूती में वृद्धि होती है यदि हम कार्बन की प्रतिशतता बढ़ाते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कार्बन की मात्रा बढ़ाने के साथ जो है हार्डनेस में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ ब्रिटलनेस में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ब्रिटलनेस तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है इंक्रीज इन हार्डनेस यानी कठोरता में वृद्धि होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर की बात करें तो बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ ए मेटल टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है, यदि हम बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण होता है, तो वह होती है उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती। यदि उसमें स्ट्रेंथ होगी तो वह बाहरी जो झटके लगेंगे तो एक्शन बनेंगे तो उनसे जो है वह नहीं टूटेगा। 28 नंबर में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी जो है निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कौन होती है, तो वह होती है हमारी स्टिफनेस। स्टिफनेस हमारा 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 29 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है 29 नंबर में कि विच वन ऑफ एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल इज द पावर ऑफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड इज रिमूवेड। बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण जब लोड को हटाया जाता है तो डिफॉर्मेशन के बाद, यानी
जो है लोड को हटाने के बाद धातु में उसके वास्तविक यानी पुराने आकार में वापस आने की क्षमता होती है। तो वह कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? तो वह प्रॉपर्टीज होती है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि इसमें हम लोड लगाते हैं तो लोड में इसमें क्या होता है, लोड लगाने पर इसमें जो है इसके शेप में आकार में बदलाव होता है, लेकिन जैसे ही हम लोड हटाते हैं तो यह अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है और उस गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड 30 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप फिटर टेक्नो चैनल से जुड़े हैं, यहाँ पर इतने एमसीक्यू करा दिए गए हैं कि आपसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। यहाँ पर आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आप चैनल में जाकर अपने से देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है जिसमें से लगभग 50 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो यदि उन पूरे वीडियो को यदि आप देख सकते हैं तो इनसे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बोला गया है निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, यानी जो है उसमें हम बाहरी लोड लगाते हैं तो वह अपने आकार में परिवर्तन ला लेती है, तो वह कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? तो वह प्रॉपर्टीज होती है हमारी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिकता गुण के कारण जो है अपने शेप में अपने आकार में वह बदलाव ला लेती है, लेकिन यदि हम भार उठा लेते हैं हटा लेते हैं तो यह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जाता है। देखिए क्या होता है, किसी भी मटेरियल के लिए कुछ इलास्टिसिटी होती है और इलास्टिसिटी को जैसे ही हम पार करते हैं यानी जो उसके वापस आने की क्षमता को पार करते हैं और लोड लगाते जाते हैं तो वह आगे की जो क्षमता कहलाएगी वह प्लास्टिसिटी कहलाएगी। क्लियर। 31 नंबर में क्या बोला गया है कि विच वन एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल इज द प्रॉपर्टी वाई विच रजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू फ्रैक्चर वाई रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, यानी निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु पर बार बार बेंडिंग या ट्विस्टिंग करने पर वह टूटने नहीं पाता है, यानी हम मटेरियल को मोड़ते हैं मरोड़ते हैं लेकिन वह नहीं टूटता है तो वह कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? तो वह प्रॉपर्टीज हमारी कहलाती है टफनेस। टफनेस इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज मोस्ट इसेंटियल फॉर द मेटल इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई टेक्निकल एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जाता है आपसे, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है। बोला जाता है कि निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातुओं की कास्टिंग यानी ढलाई वेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए एक हमारी होती है प्रॉपर्टीज़ भौतिक गुण के अंतर्गत आता है यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत फ्यूजिबिलिटी। यदि इसमें किसी भी मटेरियल में फ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टीज नहीं है तो उसकी हम कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग या सोल्डरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमें कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग या सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए हमारे मटेरियल में फ्यूजिबिलिटी का गुण होना ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है, तो हमारी फ्यूजिबिलिटी जो होती है यह फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है, यानी संगलनीयता जो होती है यह हमारे भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। 33 नंबर की बात करें तो बोला गया है मेटल प्रोसेस वाई फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
देखिए क्या बोला गया है कि धातुओं में भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है। वहाँ पर प्रॉपर्टीज से पूछा गया था और इस बार पूछ लिया गया कौन सा मतलब प्रॉपर्टीज है। बोला गया धातुओं में भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जो भौतिक गुण है। तो हमारी फ्यूजिबिलिटी जो होती है यानी संगलनीयता, यह क्या होती है हमारी भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें टेनासिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, तो ये हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। 34 नंबर की बात करें तो बोला गया है रस्ट इज फॉर्मेड फ्रॉम आयरन एंड विच अदर एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहा जो होता है, लोहे और अन्य किस तत्व से जंग बनता है। तो जो लोहा होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है जंग बनाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये एक रासायनिक प्रोसेस होती है। जो लोहा और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिससे जंग का निर्माण होता है यानी रस्टिंग होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। 35 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ दीज मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में तरल में होती है। तो जो हमारा पारा होता है, मरकरी होता है, एक यही धातु है जो हमारे रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में होती है। ये कितने डिग्री में जमती है, यह -39 डिग्री सेल्सियस यदि हम इसमें टेम्परेचर रख देते हैं तो यह जम जाती है। यदि हम सामान्य टेम्परेचर में रखें तो यह क्या होती है, यह लिक्विड के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर की, तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी फाउंड इन ए प्योर स्टेट इन नेचर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जा सकती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे प्रकृति में कौन सी मटेरियल जो है शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, तो वह होता है गोल्ड। गोल्ड हमारा जो है प्योर पाया जाता है, प्योरेस्ट मटेरियल है जो हमारे प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। 37 नंबर की बात करें तो बोला गया है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रॉन्ज इज एन अलॉय विच मेटल। यानी जो अपने सरलतम रूप में ब्रॉन्ज किन धातुओं का अलॉय होता है, तो वह कॉपर एंड टिन से मिलकर बनता है। 38 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रा इन टू वायर इज ए मेजर ऑफ इट्स। यानी धातु की तारों के रूप में खींचने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो यदि हम धातु को तारों के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वह हमारी कहलाती है डक्टिलिटी, यानी जो है तन्यता प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसी प्रॉपर्टीज के कारण जो है हम मेटल को वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है मोस्ट मेटल हैव, यानी अधिकतर धातुओं में होती है, तो क्या होती है, क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है या फिर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है या फिर स्मॉल एटॉमिक रेडियल होती है या फिर हाई इनोजेशन एनर्जी होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस जो है हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 39 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है मेटल विच वर्न ऑन एक्सपोर टू एयर, क्या बोला गया है, मेटल विच बर्न ऑन एक्सपोर टू एयर आर बेस्ट स्टोरेज। यानी धातुओं में जो हवा में खुली होने पर जल जाती हैं उनको किस में अच्छी तरह से स्टोर किया जाता है। तो हमारी मिट्टी का तेल केरोसिन जो होता है, अंडर केरोसिन, उसके अंदर रखते हैं जो हमारे हवा में जलने लगती है। यानी सामान्य टेम्परेचर पर जो है खुली अवस्था में जिन्हें रख देते हैं तो वो जलने लगती है, ज्वलनशील हो जाती है। तो उनको हम मिट्टी के तेल के अंदर यानी केरोसिन के अंदर रखते हैं। जैसे जो हमारी सोडियम होती है, सोडियम को हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। यदि इसको मिट्टी के तेल से बाहर खुली अवस्था में रखते हैं तो यह अपने आप जलने लगती है। 41 नंबर की बोले तो बोला गया है गैल्वेनाइज्ड मेटल हैव बीन कवर्ड विथ ए थिन सीट
ऑफ यानी गैल्वेनाइज धातुओं को किसकी पतली परत से कवर किया जाता है, तो जिंक के साथ कोटिंग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 42 नंबर का कि विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी के बाहरी हिस्से में कौन सी धातु अधिक पाई जाती है, तो हमारी एल्युमिनियम जो होती है यह पृथ्वी के बाहरी परत में पाई जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएं, तो आपके कहने पर मैंने प्रोवाइड कराया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज आपको इसी तरह MCQ प्रोवाइड कराएँगे। तो आपको इसके लिए जो है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।